दोस्तों ये जवानी है दीवानी मूवी का एंडिंग सीन तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, जहां पे बनी, आदिति, नैना और अवि अपने सेल फोन पर कनेक्टेड रहकर न्यू ईयर का काउंटडाउन देते हैं। आई एम श्योर आप सभी लोगों के मुंह से आ निकला होगा, राइट? क्योंकि सीन कितना होलसम है। अपने दोस्तों के साथ बैठना, वैकेशंस लेना, चिल करना, इन जनरल यू ओनली लिव वंस बोल के बिना लाइफ के परवाह किए मजा करना, साउंड्स अ परफेक्ट एंडिंग, राइट? बट अगर मैं आपसे पूछूं कि जितनी होलसम ये मूवी है क्या उतनी होलसम आपकी लाइफ है, तो इस पे आपका जवाब क्या होगा? मुझे इसका आंसर पता है। आप अभी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो। जी हाँ, स्ट्रगल। स्ट्रगल पैसों को लेकर, स्ट्रगल अपने भद्दे या कुबड़े शरीर को लेकर, स्ट्रगल अपने पेरेंट्स के तानों को लेकर, स्ट्रगल अपने 9 to 5 जॉब को लेकर, स्ट्रगल्स अपने पिंपल्स को लेकर, स्ट्रगल्स अपने करियर को लेकर, स्ट्रगल अपनी पढ़ाई को लेकर, स्ट्रगल्स अपनी रिलेशनशिप को लेकर, स्ट्रगल्स अपने मेंटल पीस को लेकर। अब मैं यहाँ आपको अनगिनत और चीजें गिना सकता हूँ, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके ना आपकी जिंदगी बदलनी है और ना ही मेरी, क्योंकि जिग जिगलर्स ने एक बार कहा था, व्हेन यू फोकस ऑन प्रॉब्लम्स यू गेट मोर प्रॉब्लम्स, व्हेन यू फोकस ऑन पॉसिबिलिटीज यू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज। तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज की तारीख है 11 नवंबर 2023 और आपके पास है ठीक 50 दिन का समय एक हेड स्टार्ट लेने का, क्योंकि 50 दिन बाद आएगा साल 2024। ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आप नया साल आने के एक दिन पहले क्या करने वाले। पेन पेपर लेकर न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना लोगे, जिम मेंबरशिप ले लोगे, फिर कहोगे कि कल से जिम, और फिर सोचोगे कि एक बार जिम शुरू कर दूं बाकी सब अपने आप बदलने लगेगा। लेकिन इसका रिजल्ट आपको और मुझे अच्छे से पता है, ये कुछ दिनों की आग थोड़े ही टाइम में टाइम टाइम फिज होने वाली है। तो आप यहाँ पूछोगे कि अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए मैं क्या करूँ, तो मैं आपके सामने कुछ टाइमलेस प्रिंसिपल्स रखने वाला हूँ। आपको सिर्फ इन चीज़ों पर अपना पूरा अटेंशन देना है। ध्यान रखो, ये सब आपके लिए इजी नहीं होगा, लेकिन सिंपल ज़रूर होगा और गारंटी देता हूँ कि ये आपको बदल कर रख देगा। वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि जैसे राज ने सिमरन का हाथ पकड़ लिया था, वैसे ही मैंने भी आपका हाथ पकड़ लिया है। अगर आपने वीडियो का एंड तक नहीं देखा तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं। तैयार हो तो कमेंट कर दो आई एम रेडी, क्योंकि जिंदगी बदलने वाली है दोस्त। नंबर 1, योर ब्लूप्रिंट टू फिजिकल फिटनेस। दोस्तों हमें हमेशा से सिखाया गया है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन आपको एक कड़वा सच बताऊं, अ बुक इज ऑलवेज जज्ड बाय इट्स कवर। अभी रिसेंटली मैं स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान का एक इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा, बोले कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। मैंने कहा नो, बुक इज जज्ड बाय इट्स कवर। अगर आपकी बुक का कवर खराब भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने काम का ओहदा इतना बड़ा कर लो, इतना बड़ा कर लो कि लोग आपके लुक्स को छोड़कर आपके काम के ओहदे को देखें। जाकिर खान कहते हैं कि आज भी ब्रांड्स जब उन्हें अप्रोच करते हैं तो वो अक्सर मेंशन करते हैं, अरे इससे इतने पैसे देने पड़ेंगे। वहीं जाकिर की जगह कोई गोरा चिट्टा हैंडसम इंग्लिश बोलने वाला लड़का होता तो बिना कोई सवाल पूछे उसे इतने पैसे दे दिए जाते। तो कहने का मतलब यही है कि आप कैसे दिखते हो उस बेसिस पर लोग आपका परसेप्शन बना लेते हैं, एंड ट्रस्ट मी, परसेप्शन इज एवरीथिंग। तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान समझाता हूँ जिससे आप अपने आप को फिजिकली फिट बनाओगे। गैरी वी ने अपने कीनोट में कहा था कि आई डोंट वॉन्ट टू आउटवर्क माई कॉम्पिटिटर्स, आई वॉन्ट टू आउटलिव देम। अगर आप आउटलिव करना चाहते हो तो हैबिट्स सुधारनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अमेजन पर जाओ और 2 वेट स्केल्स ऑर्डर करो। पहला वेट स्केल अपने वेट को चेक करने के लिए और सेकंड किचन वेट स्केल अपने फूड को ट्रैक करने के लिए। स्टेप नंबर 2, अपने फोन पर माई फिटनेस पाल ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि ये आपको जो भी दिन में आप खा रहे हो उसे ट्रैक करने में हेल्प करेगा और मुझे इस ऐप से कोई पैसे नहीं मिले। स्टेप नंबर 3, गूगल पर टाइप करो BMR कैलकुलेटर एंड वहाँ पर अपनी एज, हाइट एंड वेट डालकर अपनी कैलोरी इंटेक को जान लो। अब अपनी एक्टिविटी लेवल के हिसाब से अपने डेली कैलोरी गोल्स को चूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हफ्ते में ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता तो मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज करूंगा, विच इज़ 2157 कैलोरीज, जिसके बाद अगर मेरा गोल फैट लॉस है तो मैं इसमें से 300 कैलोरीज कम कर दूंगा। और इनिशियली आपको डाइट बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप जो खा रहे हो वही खाओ, बस क्वांटिटीज़ पर ध्यान दो और उन्हें मेजर करो। एंड ऑफ कोर्स आप पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन चीट डे कर सकते हो, मतलब उस दिन आप बाहर का भी खा सकते हो। एक चीज़ जो आपको बिल्कुल निकाल देनी है वो है शुगर, बिकॉज शुगर में एम्प्टी कैलोरीज होती है और जीरो न्यूट्रिशनल वैल्यू। इसके अलावा आपको दिन में एक घंटा कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, इट कुड बी एनीथिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, रनिंग, जिमिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपको वेट गेन करना है तो सेम प्रोसेस फॉलो करो, बस BMR निकाल के जितनी कैलोरीज बन रही है उसमें एक्स्ट्रा 300 से 500 कैलोरीज ऐड कर दो। अपनी कैलोरीज को ट्रैक करने के लिए YouTube पर ढेर सारी वीडियोज़ हैं, प्लीज़ कोई भी एक रैंडम वीडियो देख के सीख लो एंड बस मन लगा के ये चीज़ रोज़ करते जाओ और धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आप अपने गोल तक पहुँच रहे हो और आप मिरर में भी अच्छे लग रहे हो। नंबर 2, योर ब्लूप्रिंट टू मेकिंग मनी। यार रॉबर्ट कियोसाकी की बुक पढ़ के मुझे ना प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का बड़ा मन होता था, मतलब बेसिकली पैसिव इनकम कमाने का जोश चढ़ा हुआ था।
बट सच बोलूं तो तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके उन्हें रेंट पर डाल सकूं। तो मैंने मेरे दिमाग से आई कैन नॉट डू इट बोलने के बजाय पूछा हाउ कैन आई डू इट, जिसके बाद उसने कुछ ही दिनों में मेरे सामने जवाब रख दिया और जवाब था यूट्यूब। यस, अगर ध्यान से सोचे तो यूट्यूब भी एक एसेट की तरह है, क्योंकि यहाँ पर मैं कॉन्टेंट डालकर आपके दिमाग में एक पीस ऑफ रियल इस्टेट ऑन कर सकता हूँ, आपका टाइम ऑन कर सकता हूँ और आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस भी कर सकता हूँ। और ये चीज़ करने के लिए यूट्यूब मुझे पे भी करेगा, प्लस यहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट जीरो है। तो ये चीज़ मुझे रिवोल्यूशनरी लगी एंड मैंने ये चीज़ को एग्जीक्यूट भी किया। एंड ब्रैग नहीं कर रहा, आज मैं काफ़ी डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाता हूँ। तो जितना जल्दी आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आप पैसा कमा पाओगे। सर प्लीज स्टेप बाय स्टेप प्लान बता दो। ओके डोंट वरी, ये रहा, आपने अंकुर वारी को सर के यूट्यूब कोर्स के ऐड में सुना होगा कि अगर आप यूट्यूब को खुश रखोगे तो यूट्यूब आपको खुश रखेगा। तो आप यूट्यूब को कैसे खुश रखोगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको पेड कोर्सेज में मिलेगी, शॉर्ट में और फ्री में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है चूज अ निश। सबसे पहले एक रूम में अकेले बैठकर ब्रेनस्टॉर्म करो कि मैं क्या लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ या क्या मैं उन्हें एंटरटेन कर सकता हूँ। अगर आपको लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है और सेल्फ डेवलपमेंट पे चैनल बनाना है तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपको हेड स्टार्ट देगी। सबसे पहले एक निश सिलेक्ट करो, जैसे मैं बुक्स पे कंटेंट बनाता हूँ, कोई और फाइनेंस पे कंटेंट बनाता है, कोई और किसी दूसरे निश पे। तो सबसे पहले ऐसी निश चूज करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। नंबर टू, रिसर्च कॉम्पिटिटर्स। जो भी नीश आपने सिलेक्ट की है उसमें जाकर आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं और वो किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, उनका किस तरह का कंटेंट ज़्यादा चल रहा है, किस तरह का बिल्कुल नहीं चल रहा, ये सब रिसर्च करो। उनके कुछ पॉपुलर वीडियोस एनालाइज करो कि वो इतने वायरल क्यों गए। नंबर थ्री, रिक्रिएट। एंड जो वीडियोस कॉम्पिटिटर्स के वायरल गए हैं और जो वो करंटली बना रहे हैं उसे ही रिक्रिएट करने की कोशिश करो। ये कॉन्सेप्ट को डिटेल में मैंने अपने पर्सनल चैनल पर समझाया है, डिस्क्रिप्शन और कार्ड में मैं आपको लिंक दे दूंगा। नंबर फोर, स्क्रिप्टिंग एंड वॉइस ओवर। रिक्रिएट करने के लिए उस टॉपिक के 10-12 और वीडियोस देख लो, क्योंकि आप नोटिस करोगे कि और भी क्रिएटर्स ने वो सेम वीडियो कवर किया है। तो 10-12 वीडियोस को देखने के बाद उसमें से कोई भी 6 पॉइंट की हेडिंग सिलेक्ट कर लो और चैट जीपीटी पे जाके वो पॉइंट के रिलेटेड किसी भी सेलिब्रिटी की स्टोरी मांग लो। प्रो टिप, हमेशा अपने पॉइंट्स को स्टोरीज से एक्सप्लेन करो। 6 पॉइंट की 6 स्टोरी स्क्रिप्ट में लिख के अपने फ़ोन के रिकॉर्डर से वो स्क्रिप्ट रिकॉर्ड कर लो। याद रखो कि साउंड क्लियर होना चाहिए, अगर आपकी वीडियो का साउंड क्लियर नहीं है तो लोग नहीं देखेंगे। फेमस फिल्म मेकर कैसी नेस्टैड कहते हैं कि एक अच्छी वीडियो में 90% रोल क्लियर साउंड का होता है और 10% फुटेज का। आप खुद भी नोटिस करना कि जब कोई ऐसी वीडियो आप ओपन करते हो जिसमें साउंड क्लियर नहीं होता, स्पीकर क्या बोल रहा है क्लियरली समझ नहीं आता है, तो आप उसे बंद कर देते हो, दूसरी वीडियोज़ देखने लगते हो। नंबर फाइव, एडिटिंग। अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो फिल्मोरा पर आपका वॉइस ओवर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो एंड उस पर कट्स लगाने के बाद पिक्सल्स नाम की एक वेबसाइट है, वहां से फुटेजेस डाउनलोड करके अपने वॉइस ओवर पर लगाते जाओ। और अगर पीसी या लैपटॉप ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने फोन पे काइन मास्टर या इनशॉट ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से एडिट कर लो। मैंने शुरुआत की थी व्हाइट बोर्ड वीडियो से, जो मैं वीडियो स्क्राइब से बनाता था, और ये अभी भी बहुत इफेक्टिव और अफोर्डेबल टूल है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये मैंने वियॉन्ड में बनाया, ये टूल थोड़ा खर्चीला है। नंबर सिक्स, थंबनेल। अब जैसा थंबनेल आपके कॉम्पिटिटर्स ने बनाया है थोड़ा बहुत उससे रेफरेंस लेके आप भी कैनवा पर उसे रिक्रिएट करने की कोशिश करो। कैनवा अच्छा नहीं लगता है तो फिग्मा में ट्राई करो, फिग्मा मेरा पर्सनल फेवरेट है और थोड़ा एडवांस है। धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा। अब जितना नॉलेज मैंने आपको फ्री में दिया है इसका आप फायदा ना उठाओ तो सब वेस्ट है, क्योंकि यही नॉलेज अगर मैं कोर्स में देता तो काफ़ी सारे लोग उसे खरीद कर सीखते खुशी खुशी। तो प्लीज़ टाइम पास करना बंद करो और मेहनत करना शुरू करो। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, अगर आप YouTube को खुश रखोगे तो YouTube आपको खुश रखेगा। YouTube किस चीज़ से खुश होता है? YouTube खुश होता है इस बात से कि उसके प्लेटफॉर्म पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहें, विच मीन्स आपकी वीडियोस ऐसी होनी चाहिए जिन्हें लोग ज़्यादा ड्यूरेशन तक देखें, यानी आपकी वीडियोस का वॉच टाइम अच्छा होना चाहिए। और वीडियो का वॉच टाइम अच्छा कैसे होता है? इंटरेस्टिंग एंड वैल्यूएबल कॉन्टेंट से। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि YouTube पर छोटा सा कोर्स चाहिए तो बताओ, तो यही है वो कोर्स। अब दो वीडियोज़ बनाकर मत आना कि सर चल नहीं रही है, जो रूल्स मैंने बताए हैं उन्हें फॉलो करके आप कम से कम 100 वीडियोज़ बनाओ फिर आना कि नहीं चल रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये रूल्स फॉलो करते हुए 100 वीडियोस बनाने के बाद आपकी कोई भी वीडियो ना चले, इट्स इम्पॉसिबल। नंबर थ्री, योर ब्लूप्रिंट टू मेंटल हेल्थ। फिजिकली फिट हो गए, पैसे भी कमा लिए, पर मन की शांति का क्या? तो हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक अगर आप मेडिटेशन करते हो तो वो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, बैड सिचुएशंस एंड इन जनरल आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने में हेल्प करता है। लेकिन सर मुझे मेडिटेशन करना आता ही नहीं है, मैं काफ़ी बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, इसलिए ट्राई करके छोड़ देता हूँ। इसका जवाब भी बहुत सिंपल है, आप गाइडेड मेडिटेशन से शुरुआत कर सकते हो। हेड स्पेस नाम की एक ऐप है, अकेले मुझे इसके कोई पैसे नहीं मिले, हेड स्पेस पर आपको गाइडेड मेडिटेशन मिल जाएगा।
YouTube पर एक बंदा है जैसन स्टेफेंसन, मुझे उसके गाइडेड मेडिटेशन बहुत पसंद है। इसके अलावा आप और भी कुछ सर्च कर सकते हो। आपको पता है मेरा एक कलीग है जिसने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बुक खत्म कर ली, तो उसके लास्ट पेज पर लिखा था कि अगर आपको मेडिटेशन सीखना है तो प्लीज हमें ईमेल करें। जिसके बाद मेरे कलीग ने उन्हें मेल किया एंड वहां से एक सिंपल सी मेडिटेशन टेक्निक मेल के थ्रू फॉरवर्ड हुई, और वो टेक्निक का नाम है होंग सो टेक्निक। ये टेक्निक फॉलो करने के बाद मेरा कलीग 3 साल तक इजीली मेडिटेट कर पाया। वो अभी भी करता है, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, तो आप वो भी ट्राई करके देख सकते हो। उस टेक्निक का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद जाके उसे एक्सप्लोर कर लेना। नंबर 4, योर ब्लूप्रिंट टू रिचेस। मैंने जिम क्विक को बार बार कहते हुए सुना है कि रीडर्स आर लीडर्स, एंड आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि जितने भी मल्टी बिलियनर्स हैं जैसे कि बिल गेट्स, इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, ये सारे वर्ल्ड क्लास लीडर्स में एक हैबिट कॉमन है, विच इज रीडिंग। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ में रीडिंग की हैबिट को भी कल्टिवेट करो। डिस्क्रिप्शन में ये बुक ऐप का लिंक डाल रहा हूँ, अभी ऑफर भी चल रहा है तो उसका फायदा उठा लो एंड स्टार्ट योर जर्नी टू रीचेस। बस जितना मैंने कहा है, अगर आप आंख बंद करके पूरा एफर्ट डालकर बस ये सब चीजें करने लगे तो अगले 6 महीनों में आप अपने आप को हैरान करके रख दोगे। अफर्म करने के लिए कमेंट करो यस आई विल एंड नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अफर्मेशंस। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, लाइक करने में कंजूसी मत करना। और मैं इस वीडियो को कर देता हूँ समराइज। पहला हमने देखा फिजिकल फिटनेस, इसमें हमने ये देखा कि आपको अगर वेट कम करना है तो कितना खाना है, वेट बढ़ाना है तो कितना खाना है, एंड कोई ना कोई एक फिजिकल एक्टिविटी करनी है। और ये कंसिस्टेंटली आप करोगे तो आप कुछ ही महीनों में खुद को पहचान नहीं पाओगे। दूसरा पॉइंट था भाई यूट्यूब का एक छोटा सा कोर्स था, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए कम से कम 100 वीडियोज बनाओ, इतना दम तो रखो यार यूट्यूबर बनने के लिए। तीसरा पॉइंट था मेंटल हेल्थ, इसमें हमने मेडिटेशन के तरीके सीखे। और फोर्थ पॉइंट था नॉलेज हासिल करो, और याद रखो कि बिना एप्लीकेशन का नॉलेज कोई काम का नहीं होता है। इस पर भी मैंने पर्सनल चैनल पर रियलिटी ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स के टाइटल से एक वीडियो बनाया है, ऊपर लिंक आ रहा होगा, वो भी आप देख सकते हो। फाइनली यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।